वेलकम टू हेल्दी हो। आज हम बात करेंगे हृदय रोग के उपचार के पश्चात लॉन्ग टर्म आउटकम में। ज़्यादातर हृदय रोग यदि सही समय पर डायग्नोज हो जाता है तो बच्चा पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। बच्चे के उपरांत युवावस्था में और यंग एज में और आगे और इवन वृद्धावस्था तक यह बच्चा नॉर्मल जीवन यापन करता है, यानी वह बच्चे का जो विकास होता है वो नॉर्मल बच्चे की तरह होता है और किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन हृदय रोग के इलाज के पश्चात ज़्यादातर केसेस में नहीं होती है। पर ज़रूरी है कि यह बीमारी सही टाइम पर पिक की जाए। पर्टिकुलरली बात करें दिल में सुराखों के बारे में, यदि दिल के सुराख सही टाइम पर पिक हो जाते हैं, उसका इलाज हो जाता है, तो इलाज होने के पश्चात नॉर्मल जीवन होता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, और जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है लेडीज़ में या लड़कियों में, हम नॉर्मल डिलीवरीज और नॉर्मल प्रेगनेंसी ही एडवाइस करते हैं। इसके विपरीत यदि इन सुराखों का सही टाइम पर उपचार नहीं हो पाता, इसका इलाज नहीं किया जा सकता, इसका फेफड़ों पे और शरीर पे असर आ जाता है, उस टाइम पर इसे हम बोलते हैं VSD आइसनमेंगर सिंड्रोम, यानी ऐसे सुराग या दिल के ऐसे सुराग जिनका शरीर पे असर आ गया है, प्रेगनेंसी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ऐसे में अमूमन प्रेगनेंसी नहीं की जा सकती, क्योंकि हृदय पे यदि शरीर पे असर आ जाता है, इसमें प्रेगनेंसी एक एडिशनल बर्डन होता है जो बच्चे के लिए घातक हो सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि इन बीमारी का इलाज सही टाइम पर किया जाए ताकि आगे जीवन यापन नॉर्मल हो सके। और लड़कियों के लिए, जो कि एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि ऑपरेशन के बाद नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, जो पूर्णतः गलत है, यदि सही टाइम पर इनका इलाज हो जाता है तो नॉर्मल प्रेगनेंसी ज़्यादातर केसेस में बच्चे बियर कर सकती है और नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकती है।